खबा हजरा वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिहाइंड थिंग्स आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान फ्राम अ प्लेस दैट आई हैव नेवर हैड अ गेस्ट फ्राम बिफोर ये साहब जो हैं इज़ 19 ईयर्स ओल्ड ही इज फ्राम खारान बलोचिस्तान Uh, and he is one of the uh, top sellers from that area. Uh, I don't know if he's the only seller from that area, but definitely <laughs> uh, a, a big success story. Uh, in I was at the Connected Pakistan conference uh, a couple of days ago, and uh, you know someone recommended that there is this guy from Balochistan, he's very young. एंड यू नो दिस दी इज़ फेनल एंड आई लाइक वेल शहरिया बलो हमारे साथ मौजूद हैं सर थैंक यू सो मच फॉर टिंग द टाइम आउट थैंक यू सो मच थैंक यू सोच अच्छा शहरिया मुझे ये बताइए कि आपने यू नाइनटीन ईयर ओल्ड नाउस अच्छा बिफोर आई टॉक अबाउट ये जो फ्री लांसिंग एंड यू सारा आप काम कर रहे हैं उससे पहले मैं समझना चाहूँगा uh, आप पूरी ज़िंदगी रहे Uh, मेरी पूरी ज़िंदगी uh, खरान में भी गुजरी है मेरी पूरी ज़िंदगी आधी जिंदगी मेरे कोटा में हॉस्टल्स में गुजरी है अच्छा। तो बेसिकली मैं ऑलमोस्ट कोई एट टू नाइन ईयरस से मैं घर से बाहर हूँ अच्छा यस yes. बट रहे बलोचिस्तान में है। बिल्कुल रहे बलोचि में और पैदा भी खरान की है? बिल्कुल पैदा भी मेरी खरान की है मुझे थोड़ा सा बताइएगा क्योंकि आम, पाकिस्तान में बलोचिस्तान बड़ा डिस्कनेक्टेड रहा है जनरली पीपल डो नॉट गो देर नॉर्थ से अगर लोग साउथ जाते भी हैं तो ज़्यादा कराची जाते हैं हैदराबाद चले जाते हैं सिंध भी थोड़ा सा डिसकनेक्टेड है बलोचस्थान भी थोड़ा डिसकनेक्टेड है तो थोड़ा सा अगर आप मुझे बता सकें कि खरान कैसा है वॉट इज़ इट लाइक यू नो थोड़ा सा देखें खारान एक ऐसा शहर है एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके बारे में आप लोगों ने पाक स्टडीज़ की बुक्स में भी पढ़ा होगा अच्छा जो कि हम पढ़ते हैं ना कि पाकिस्तान के चार डिजर्ट्स हैं थर थल चोलिस्तान और खारान तो मैं बेसिकली उस रेगिस्तानी इलाके से हूँ और उसके अलावा खारान जो एटमिक जो ब्लास्ट हुए थे वो भी खारान और चाही के बॉर्डर पे हुए थे अच्छा तो चाहही भी एक डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल इट्स अ डिस्ट्रिक्ट बट द द द प्लेस जो माउंटेन है जो पहाड़ है जिसको रास्को कहते हैं वो खारान और चाही के बॉर्डर पे है तो उसके बैक साइड पे चाहिए है और फ्रंट साइड पे खरान है अच्छा 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 जी तो और ये बेसिकली पूरा रेगिस्तान है आ, अच्छा ये एक बहुत डाइवर्स वो है एक बहुत डाइवर्स मैं आपको भी विजुअल दिखाऊंगा उसके एक साइड पे आपको रेगिस्तान मिलेगा और उसके फ्रंट साइड पे ही आपको गंदम की काश्त मिलेगी अच्छा जी हाँ और पीछे के साइड पे आप जब देखेंगे थोड़ा दूर तकरीबन 10 20 25 किलोमीटर उस तरफ तो वहाँ पे आपको पहाड़ मिलेंगे अच्छा तो ये काइंड ऑफ वेरी डाइवर्स सिटी बहुत डाइवर्स है आपको हर अरएथनिसटी के लोग मिलेंगे आपको बलोच मिलेंगे आपको पश्तून मिलेंगे ठीक है इवन पंजाबीज एंड हिंदूज लिव देयर राइट और ये जो है ये आ, शहर है या ये डिस्ट्रिक्ट है मतलब पॉपुलेशन सारी इकट्ठी है या अलग अलग uh, गाँव या यू नो ऑफ टाउन्स में uh, जो मेन सिटी है वो सिटी के काइंड पे आप इसको कस्बा कह सकते हैं बेसिकली है. तो कस्बा है जैसे कि कसूर और ये साइड इलाके जो होते हैं टेक्सिला तो कस्बा है ये वन एंड हाफ लैक और मे बी टू लैख्स उसकी आबादी है और उसके गांव भी है ऑलमोस्ट कोई 800 से हज़ार गांव भी है उस पूरी डिस्ट्रिक्ट में अच्छा। और पाकिस्तान की थर्ड लाज लार्जस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये एरिया वाइज अच्छा तो जी लोग जाहिर तो दूर दूर होंगे बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। आम, जो इकनॉमिक ये होता है ना कोई को, कि, कि, किसी वजह से लोग सेटल हुए हुए होते हैं वहाँ पर तो वहाँ पे क्या होता है गंदम की काश्त होती है या और भी कोई काम है वहाँ पर जिसकी वजह से लोग वहाँ पे सेटल हुए हुए हैं या कोई माइनिंग वगैरह है किस तरह का काम है अच्छा देखें उसके लिए भी जो मेन पापुलेशन और मेन जो इकनॉमिक का जरिया है मेन एक वो है इकनॉमिक वो तो वो बिल्कुल काश्ती है वो कल्टिवेशन ही है उसके बाद उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स से मेनली वो एन है और मेनली डिपेंडेंट है प्राइवेट जॉब्स तो आजकल नहीं है उस साइड पे क्योंकि तो कोई इकनॉमिक और वो ग्रोथ ही नहीं है उस लेवल की उस लेवल का टैलेंट ही नहीं है उस लेवल की वो एज यू सैड कि वो बहुत डिस्कनेक्टिड एरिया है तो बिल्कुल वो डिसकनेक्टिड है वहाँ पर इंटरनेट बड़ी मुश्किल से चलता है तो वो प्राइवेट जॉब्स और ये सारी चीज़ें तो खैर मुश्किल ही बिल्कुल आपकी एजुकेशन जो है वो आपने खरान से ली थी या आप एवं <laughs> जी हाँ वो बताता हूँ देखें एजुकेशन जो मेरी बेसिकेशन चूँकि मेरा जो बर्थ टाउन है बर्थ प्लेस है वो खरान ही है तो खरान में मैंने अपनी फिफ्थ तक पढ़ाई की उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली ऑन बलोचिस्तान मेरिट पखतुर्ग पगतुर्ग इंटरनेशनल स्कूल कॉलेज कोयटा में राइट right. तो उसके बाद सिक्स टू टेंथ मतलब लाइक फाइव टू सिक्स ईयर्स मैं वहाँ पे हॉस्टल में रहा हूँ ठीक है ऑन फुल फ्लैज हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप एंड द प्लेस जहाँ पे लोग एक मंथ के वो थर्टी फाइव थाउजेंड देते थे मैं वहाँ पे फ्री में पढ़ता था अच्छा जी आ, ये जो आपकी स्कॉलरशिप है ये किस तरह आपने रैंडमली अप्लाई की थी और उन्हें आके you know? हाँ वो एक वो ऐसे था कि वो हर साल टेस्ट लेते थे स्कॉलरशिप के तो उन्होंने टेस्ट लिए लिएशंस की ठीक है आई अप्लाइड फॉर देट को तो वो टेस्ट कोटा में था वो खरान में नहीं था आई अप्लाइड फॉर देट ठीक है आई वॉज लिविंग खरान मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स सारे फिल किए फिर मैंने बाई पोस्ट भेज दिए लाइक like, इतना आउट ऑफ रीच था मेरे लिए कि मैंने कहा चलें आप बाई पोस्ट ही चले जाएँ वो डॉक्यूमेंट्स मैंने बाई पोस्ट भेज दिए उसके बाद फिर वो वो जो, जो टेस्ट जब हुआ तो टेस्ट मैंने दिया ठीक है तो आई वॉज़ फेल्ड वंस तो इट वॉज़ वेरी हार्ड ब्रेकिंग टाइम उसके बाद जो पूरी पूरा जो साल था वो साल ऐसे गुजार दिया मैंने मैंने कब नहीं पढ़ना मैंने बिल्कुल होपलेस बिल्कुल डिप्रेस और आई जस्ट लेफ्ट एवरी थिंग उसके बाद अगले साल मैंने फिर अप्लाई किया अगले साल मैंने फिर अप्लाई किया और uh, अप्लाई करके दिस टाइम आउट ऑफ फाइव हंड्रेड पार्टिस आई वॉज इन टॉप सिक्स फ्राम बलोचि अच्छा जी ये।, ये जो स्कूल था आपका जो खरान में था जी वो कैसा था वॉज इट ग नहीं वो गवर्नमेंट जो वो प्राइवेट स्कूल था जहाँ से निकल के मैं आ, वो वहाँ पर गया पागत गया लेकिन उससे पहले चूँकि मेरे वाले साहब ख़ुद भी आ, वो टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में तो उनके साथ मैं उनके स्कूल में पढ़ता था जो फर्स्ट जो टू थ्री ईयर्स हैं और वो स्कूल कैसा होता है गवर्नमेंट स्कूल बलोचिस्तान में पर्टिकुलरली किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा मुझे बताएं uh, आपने खंडर देखे हैं कभी खंडे खंडर खंडर यस yes. तो सिमिलरली ठीक है द द द स्कूल जो मेरे वाले साहब का स्कूल है वहाँ पे आई गेस फिफ्टीन टीचर्स हैं और एट हंड्रेड प्लस उसकी वो है स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स हैं जस्ट इमेजिन हाउ कैन फिफ्टी टू ट्वेंटी टीचर्स मैनेज दैट ह्यूज स्कूल और वो हमारे शहर का सबसे बड़ा स्कूल है ठीक अच्छा। है गवर्नमेंट हाई स्कूल उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर <coughs> की मैं क्या बातें करूँ आपसे और तो टूटी पूटी टेबलें और आ, आ, बुक्स नहीं हैं स्टूडेंट के पास आधे साल तक बुक नहीं होते अच्छा। और आ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है वो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि जिसको मैं बयान कर पाऊँ अल्फाज में क्योंकि वो ऐसी टूटी पूटी और बदहाल बिल्डिंग है ठीक है ऊपर से वो कलर है अंदर से वो कोकली है तो तो आपने फिर वो जो आपका ये प्राइवेट स्कूल था ये इसकी क्या साइंस है ये कहाँ से आया मतलब ये ये प्राइवेट स्कूल भी कोई आ, कोई ख़ास स्कूल नहीं था ना जैसा ना सिटी जैसा ये भी एक आ, बल इस्लामाद के या फिर लाहौर के जो सरकारी स्कूल हैं उनसे भी हज़ार दर्जा कोई वो स्कूल था उसके बाद ये था कि यहाँ के जो टीचर्स थे वो यंगस्टर्स थे तो वो कुछ हद तक बेहतर थे और बाकी वही सेम हम लोग नीचे बैठते थे टाट पे बैठते थे पटी किताबें ठीक है और पटे कपड़े तो ऐसा ही स्कूल गुजरा सारा तो पाँचवीं से जो दसवीं जमात तक आप फिर कोयटा चले गए बिल्कुल कोटा पाक ट्रक तो जनरली अच्छे स्कूल होते हैं मेरा ख्याल है जी बिल्कुल पाक तुर्क है तो वो इट्स गुड इट्स गुड, गुड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थी तो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी आई तो जस्ट गॉट इट और वहाँ पर फिर आपने दसवीं जमात के बाद फिर आप छोड़ कर वापस खरान आ गए मेरा ख्याल है आपका का सेकेंड ईयर चल रहा है जी बिल्कुल अब सेकेंड ईयर तो मेरा खरान से चल रहा है तो टेंथ के बाद जब मैंने टेंथ के एग्ज़ाम्स दिए उसके बाद एक तो कोविड भी था और तो कोविड के बाद दे अफोर्ड मेंदर स्कॉलरशिप उन्होंने कहा ओके वी आर एक्सटेंडिंग योर स्कॉलरशिप तो वो एक बहुत एक सख्त लम्हा था मेरे लिए मैंने कहा मैं नहीं आना मैंने कहा मैंने का, मैं नहीं, नहीं आना आप मुझे स्कॉलरशिप दें आप मुझे स्टाइपेंड एंड दें मैंने नहीं आना ठीक है तो मैं गया फिर मैंने फील्ड स्टार्ट की और मैं फिर इस फील्ड की तरफ आया तो क्या वजह थी कि आपने कहा कि मैंने नहीं जाना वापस हाँ वो बताता वो ऐसे था कि वो सख्ती बड़ी करते थे ठीक है मुझे बाउंड रखा हुआ था जो फ्री लांसिंग का आइडिया था जो फ्री लांसिंग मेरे सर पे 2018 से छड़ा हुआ था मैंने कहा मैंने फ्री लांसिंग अगर ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक साल ही देना है मैंने कि मैं आई वाज जस्ट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर दिस वील्ड कि ये होता क्या है असल में ठीक है तो फाइव वर्क वो 2017, 2018 से मेरे माइंड में चल रहे थे सारे तो वो चल रहे थे आ, फिर तो ये लोग <coughs> आपको नहीं करने देते थे, थे ये सारा कुछ हाँ वो हॉस्टल ऐसा था कि हम लोग एक तो टाइम बाउंड थे बहुत ज़्यादा ठीक है उसके बाद वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं थे इट वाज लाइक अ जेल ठीक है वो मोबाइल अलाउड नहीं थे वहाँ पे लैपटॉप्स इम्पॉसिबल ठी है इमपॉसिबल बोथ वर इम्पॉसिबल फॉर अस तो मैंने कहा कि आप मुझे स्कॉलरशिप ऑफर करें बट आई एम नॉट कमिंग थैंक यू राइट तो ये आपने फ्री लांसिंग का दो हज़ार सत्रह अठारह से यू आर इंटरेस्टेड इन फ्री लांसिंग बिफोर आई गो टूवर्ड्स फ्री लांसिंग एक्चुअली आपने जाहिर है कि कोटा जाकर आपकी एजुकेशन बड़ी डिफरेंट तरीके की हो गई आपका सोचने समझने का तरीका आपको ज़ाहिर है कि फ़्री लांसिंग का भी पता लगा होगा तो ये ऐसी चीज़ें जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में तो आई डोंट थिंक कि लोगों को इसका कोई ज़्यादा आइडिया होगा या ज़्यादा इंटरेस्ट होगा या समझ भी होगी बिल्कुल दुनिया ही फ़र्क होगी तो वाज इट ओके कि आप जब वापस गए हैं तो एक सॉर्ट ऑफ़ कहते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाली बात है कि एक इन्वायरमेंट बिल्कुल फ़र्क हो गया वो कल्चरली आप बड़े फ़र्क हो गए होंगे uh, तो वो वापस उधर उस सिस्टम में उस इन्वायरमेंट uh, में वज़ इट ईज़ी टू इंटीग्रेट सो फॉर आई डोंट थिंक कि कुछ ज़्यादा अमाम को पता है कि मैं इस तरफ हूँ ठीक है आई हैव been हाइडिंग दिस सो उसके अलावा <coughs> ये था कि जो आपने बिल्कुल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाली बात अभी तक है ठीक है जिस एरिया में मैं रहता हूँ जस्ट जस्ट इमेजिन कि जिस सिटी में मैं रहता हूँ या फिर जिस प्रोविंस में मैं रहता हूँ वहाँ पे जो ए ग्रेड की जॉब होती है जिसको नायब कासद कहते हैं जो चपरासी है जो जिसको आप आ, ऑफिस बॉय कहते हैं उसकी जॉब जो, जो गवर्नमेंट है उसकी जो जिसके रेट्स जो लगते हैं ना वो फिफ्टीन टू ट्वेंटी लैक्स रुपये लगते हैं बिल्कुल क्या मतलब आप पंद्रह लाख रुपए दें और आपको नौकरी मिल जाएगी बिल्कुल और ये ये स्टैंडर्ड चीज है बिल्कुल इट्स स्टैंडर्ड लाइक अगर आप किसी पॉलिटिशियन के पास जाते हैं अगर आप किसी सपोज मैं डायरेक्टर के पास जा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मुझे नौकरी चाहिए वो होगा पंद्रह लाख ले आए आप बीस लाख ले आए और वो नौकरी किस चीज़ की होगी वो नौकरी होगी एक वन ग्रेड ग्रेड फोर जिसको कहते हैं उसके छिपरासी की उसके पीएन की तो तो इस सिनारी में हाउ कैन ए आंसर सर्वाइव उसके बाद मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ तो मेरी फैमिली अलहमदिल्ला कुछ हद तक सेटल थी मैं मेरे वालदे बोथ ऑफ देम आर गवर्नमेंट ऑफिसर सेवेंटीन एंड एटी ग्रेड तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जिस घर में मैं बैठा होता हूँ तो आस पास मेरे सेवन टू एट गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफ हाई लेवल लाइक सेवेंटीन एटीन ग्रेड के गेजुएटेड ऑफिसर्स घूमते हैं तो उनके दरमियान में एक फ्री और उनके दरमियान में एक बिजनेस माइंडेड पर्सन का निकलना इट्स आई डोंट नो इट्स जस्ट लाइक शॉकिंग फॉर एनी वन तो देट साउ इट तो आपको ये पता किसना लगा इस सारी चीज़ के बारे में आप आ, क्या मोबाइल फ़ोन था उस पर इंटरनेट औ, और रात पहला सवाल मेरा ये होगा आपने इंटरनेट सबसे पहले यूज़ कब किया बिकॉज क्लियरली आपके इलाके में तो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इंटरनेट सबसे पहले एक तो खैर पाखों का जो एरिया है वो टनी और था उसमें तो मैं डेफ़िटली करता था क्योंकि मैं कोई टाइम होता था वीकेंड्स oh, पे हमें मोबाइल्स मिल जाते थे उससे पहले मैंने इंटरनेट को जो फर्स्ट यूज़ किया था वो आई गेस 2013 के एलेक्शन से अच्छा ठीक है तो आई वॉज काइंड ऑफ सोशल पर्सन उस वक्त जाके मैं उस वक्त उस टाइम पर मैंने ये इंटरनेट का इस्तेमाल स्टार्ट किया तो मेरे पास वो फ्लिप नोकिया के कि फ़्लिप मोबाइल्स होते थे वो भी मैंने मामू से लिया था तो आई वॉज़ यूजिंग दैट तो उस पर फ़र्स्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने टू जी आई गेस टू जी चल रही थी उस वक्त यू फ़ोन की तो वो मैंने यूज़ की उसके बाद फिर पाख्तुक में तो डेफिनेटली फिर वीकेंड्स इंटर्थ पे हमें मोबाइल मिलते थे तो मोबाइल में यूज़ कर करते हैं तो मोबाइल फ़ोन से मिलते थे और उसमें आपने यूज़ करना शुरू किया सबसे पहले क्या किया सोशल मूवीज़ देखना शुरू की या सोशल मीडिया का यूज़ करना शुरू किया या कि व्हाट्स द कल्चर लाइक इन टर्म्स ऑफिंग गेटिंग द कॉन्टेंट ओके सो बिल्कुल डेफिनेटली आप एक पूरा हफ्ता पढ़ के ठीक है फाइव टू सिक्स डेज इफ यू आर स्टडिंग इफ यू आर जस्ट हेल्प बिजी इन यूर शेड्यूल जब आप फ्री होंगे तो डेफिनेटली विल गो फॉर यूट्यूब राइट ठीक है डेफिनेटली यू विल गो एनी थिंग दैट इज इंटरटेनमेंट तो मैं भी यही करता था मैं yeah. भी तमिल फिल्म देखता था तमिल मूवीज देखता था और बस वो देख के फिजिक्स की माँ बने को देख के मैं भी हंसता था मुस्कुराता था ये, ये अच्छा, था समझ आती थी या वो बस टाइटल हिंदी डाउट में देखता था ठीक है हिंदी डाउट के साथ साथ बस म, मुझे वो एक्शन ही चाहिए होते ना वो गाड़ियों के इधर फेंको और उधर फेंको और मौके मारो तो दैट वॉज जस्ट इन मी राइट एंड देन हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस वर्ल्ड ऑफ जी हाँ ये मैं बताता तो टू थाउजेंड में ठीक है आई वॉज पार्ट टाइम कोइन सेलर ऑफ एट बॉल पूल एंड अकाउंट सेलर जो जो अब फिर अच्छा मुझे एक और भी फिर मुझे बिजनेस आइडिया आया मेरे माइंड में रेंडमली वीकेंड्स पर मैं क्या करता तो था फिर मैं कॉइंस बेचता था अच्छा ये साइंस क्या है एट बॉल पुल के और उस वक्त एट बॉल पुल बूम पे था उस वक्त क्लैश ऑफ क्लैंड जो गेम हैं तो वह बूम पे थे तो उनके आईडीज़ बिकते थे उनके अकाउंट्स बिकते थे और उनके उनके बाकी सारी चीज़ें बिकती तो मेरा एक दोस्त था जो कि एक कोइन सेलर था तो उसे मैंने दोस्ती कर ली और आई वॉज़ लाइक एन एफिलियट फॉर हिम ठीक है थीक मैं है। उसके लिए एफिलियट मार्केटिंग करता था तो मुझे उसका कमीशन मिल जाता था एंड आई वॉज हैप्पी तो वो करके फिर उस वर्ल्ड से मुझे मेरे साथ एक ऐसा दोस्त आई डोंट नो फ्राम येम ई वॉज़ अ फ्री लांसर ठीक है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो also. वो लेकिन अपवर पर अपनी सर्विसेज देता था ई वॉज लाइक हर वीक हर दो वीक बाद वो अपने स्क्रीन शॉट लगाता था अपवर पर इतना कमा ली अपर पर उतना कमा ली आई वॉज शॉकड ईयर डॉलर मैं तो लाइक फिफ्टी हंड्रेड रुपीज़ के लिए आई फिल इन मार्केटिंग करता हूँ एंड आई वॉज काइंड ऑफ वेरी हैप्पी के मस्त माहौल है ठीक yeah. है <laughs> तो वो जब डॉलर्स की लगाता था कि आई अर्नड एटीन हंड्रेड डॉलर थाउजेंड डॉलर्स इन इन द span ऑफ टू वीक्स तो आई वॉज shocked yes यस ये भी हो सकता है क्या ये ये कौन सी दुनिया है पर फिर उसके बाद जाके मैंने फाइव आर एक्सप्लोर किया फिर उसके बाद जाके मैंने अपर के एक्सप्लोर किया फिर मुझे पता चला ओके दैट्स दी एंड नाइस राइट फिर आपने ऑफिशियली फ्री लांसिंग स्टार्ट कब की कि जिसमें आपने कहा कि अच्छा जब मैंने इसके ऊपर काम करना ही करना है ऑफिशियली hmm. फ्री जैसे मैंने कहा कि मैंने स्कूल छोड़ दिया ठीक है आई लफ द स्कूल मैन का ओके लाफे आई एम गोइंग ठीक है फिर मेरे पास अच्छा उस पेन में उस टाइम ड्यूरेशन में आई मेट एन एक्सीडेंट ठीक है एंड जस्ट ब्रोक माई लेग ब्रोक माई नी तो उसमें जो एक्सीडेंट और ऑपरेशन के दरम्यान में एक महीने का स्पेन आई वॉज ऑन बैड कंप्लीटली ऑन बैड ठीक है और उसके बाद ऑपरेशन की बात भी आई ऑन आई वॉज ऑन बेड तो खैर जब मैंने वो किया जब व्हेन आई लेफ्ट द कॉलेज देन आई सेट की यस अब मैंने एक साल चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है मैंने इस फील्ड को देना है इफ़ आई एम सक्सेसफुल ठीक है दैट्स गुड इनफ इफ़ आई एम नॉट दैट्स गुड इनफ अगेन कोई मसला नहीं है लेट्स ट्राई एटलीस्ट ट्राई तो वो फिर मैंने एक माइंड मैपिंग वैसे की थी उसके बाद वाले साहब का बड़ा प्रेशर था मुझ पर ई स्टिल वॉन्ट मी टू बी अ सी एस एस ऑफिसर सो अगेन आया उसका मेरे उनका मेरे पर बड़ा प्रेशर था कि आप जो है ना किसी भी कोयटा के या फिर एनी वेयर इन पाकिस्तान आप किसी भी कोई बड़े कॉलेज में पढ़ें और बड़े कॉलेज में एडमिशन लें यू वॉज रेडी टू पी हेवी फी आई सेट नो आई वॉन्ट तो मुझे कोयटा के ऑलमोस्ट हर uh, कॉलेज में एडमिशन मिली आई वॉज गोइंग ऑन द कॉलेज ठीक है मैं जाता था सर ये आई वॉन्ट एडमिशन ई वॉज जस्ट सेग माई डी एम सी जो मेरा सर्टिफिकेट था वो दे के साइन कर देते कल से आ जाना आप तो बट दिल में मैं कहता था कि नहीं आना मैंने ठीक है तो तो वो फिर मैं नहीं गया फिर फिर मैंने वाले साहब ने अब कहा अब कहाँ जाना है तुमने मैंने कहा हरान कॉलेज तो ई वॉज शॉकड उसने कहा क्यों उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती तुम क्यों ये कर रहे हो मैंने कहा माई अचीवमेंट्स आर माई योर्स आर योर आपने जो भी कहना है कहें मैं मेरा फैसला ये है कि मैंने खरान कॉलेज जाना है देन ये ग्रेड उसने कहा फिर चलें ठीक है अब अब जब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो आ जाए फिर आप फिर मैं खरान कॉलेज गया ठीक है ख़रान कॉलेज गया तो वहाँ पर कोई इतना सख्ती का माहौल होता नहीं है मतलब ठीक है कॉलेज क्लासेस होती हैं एवरी थिंग इज़ गोइंग ऑन लाइफ इज़ शॉर्ट लाइफ इज़ गोइंग ऑन एवरी थिंग इज़ स्ल तो आई वॉज फ्री मैंने कहा अब मैंने अच्छा सा गई मुझे लेकिन फिर इस पैन में एक्सीडेंट ऑपरेशन आई वॉज ऑन बैड मैं बाइक से मैं गिरा तो आई वॉज ऑन बैड फॉर मंथ उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ कराची में ठीक है और बिलीव में ऑपरेशन के सिक्स और सेवन डेज में विद स्टिचेस विद नी ब्रेस एंड विद अ व वॉकर आई ट्रेवल्ड फ्राम कराची टू कोटा टू गिव टेस्ट अच्छा जी हाँ कॉलेज तो for for बिल्कुल वो डायरेक्ट्रेट के इस्कॉलरशिप्स होते थे ठीक है uh, गवर्नमेंट ऑफ बलुस्तान फंडेड तो मैं अबू के प्रेशर पर मैंने दे दिया मैंने कहा चल नहीं दे देते हैं अबू ने कहा मैंने नहीं आना तुम्हारे साथ मैंने कहा अपना है कोई मसला नहीं है मैं खुद जा रहा हूँ तो आई है जस्ट ट्रेवल्ड ऑल द वे 800 किलोमीटर्स ऑन बस टू गिव द टेस्ट ठीक है और वह टेस्ट में भी बस माजूर वाली हालत में और बिल्कुल वो में लंगड़ाते लंगड़ाते मैं और टेस्ट दिया तो एट द एंड ऑफ द डे वो टेस्ट तो खैर पास नहीं हुआ जो कि ना नहीं होना भी था क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी Conditions कुछ भी नहीं था कंडीशन हाँ। ही ऐसे थे लेकिन स्टिल आई अच्छा। तो स्कोर वन ओ टू आउट ऑफ वन फिफ्टी सो दैर गुड स्कोर तो एनी वेज ये जर्नी ऐसे हुई उसके बाद मैंने कहा कि अब फ्री लांसिंग करना है तो उस उस सिनारीो में मेरा वास्ता पड़ा सनी अली से ठीक right. है सनी अली एक्सट्रीम कॉमर्स है वो ऐसे पड़ा कि आई वॉज़ फैन ऑफ गंजी शवेग ठीक है फन अगेन मैंने जैसे कहा कि वीकेंड्स होते थे ऑस्ट्रेलियर्स होते थे तो छिल माहौल और छिल माहौल में फिर हम गंजी शोक सुनते थे इरफान जुनोजी सुनते थे ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले ठीक mm. है और साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिले तो डेट्स व तो उनका जब मैंने सनी बाई का मैंने वो सुना पॉडकास्ट इरफान जनोजो के साथ तो आई वॉज ब्लोन मैंने कहा सुबहान अल्लाह क्या बंदे हैं तो फिर मैंने जाके ई कॉमर्स और एक्सट्रीम कॉमर्स और अमेजॉन वाली जो साइट है जो मेरी फ्रीनसिंग कोर्स स्किल है तो उस साइड पे मैंने ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया मैंने कहा अब ये करना है ठीक है क्योंकि नॉन टेक्निकल में कोई टेक्निकल फील्ड नहीं थी मेरी ना कोई मुझे शौक था इन चीज़ों का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वेब डेवलपमेंट वगैरह का कोडिंग से तो मैथ्स वैसे ही मैं भगता था तो मैंने कहा चल ठीक है ये अच्छा है इसमें मैथ नहीं है ठीक है द स्किल विच डोंट हैव मैथ इज़ माई फेवरेट तो मैंने कहा चलें अल्लाह अब ये सही है तो उसमें स्किल उसमें काम होता क्या है बेसिकली हाँ वो एज एन एमेजन कंसल्टेंट एज एमेजन आप वर्चुअल असिस्टेंट काम करते हैं इसका मतलब है कि इफ़ यू आर अ सेलर आई एम हेल्प यू टू बिल्ड योर सेल्स आई एम गोन हेल्प यू टू मेक योर स्टोर प्रॉफिटेबल उसमें लाइक like, सोर्सिंग होती है जो हम चाइना से करते हैं अली में सप्लायर से बात करते हैं नो मैथ्स ठीक है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग होती है पी होती है उसमें मैथ होती है लेकिन वो मैं कुछ हद हाँ तक अवॉइड करता हूँ खुदनी ठीक है कि okay, मैथ ना आए कभी तो देट हाउ इट वर्क लाइक इफ़ यू आर सेलर ठीक है इफ़ यू आर सेलर ऑन अमेज़ान एंड यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स यू डोंट हैव टेक्निकल स्किल्स सो वेयर विल यू गो आप कहाँ जाएंगे आप आएंगे मेरे पास कि शहर यार ये uh, ये मेरी प्रोडक्ट है ठीक है ये नहीं बिक बिखरी अमेज़न पर मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, थीक है? इसका ऑडिट करें ऑडिट होती है ऑडिट के बाद रिपोर्ट आती है कि भाई ये मसले हैं देन वी फोकस ऑन द मार्केटिंग कि मार्केट इसको कैसे करना है इसको बेचना कैसे है ठीक है हाउ डू वी डू द ब्रांड अवेयरनेस कि ब्रांड कैसे अवेयरनेस करनी है हमने ब्रांड को कैसे पब्लिश करना है कि ओके वी आर कमिंग ठीक है सो दैट्स ऑफ वी हेल्प द सेलर्स हेल्प Amazon सेलर्स टू बूज डर सेल्स जिसको हम कहते हैं स्काई रॉकेट द सेल्स तो right. वर्क so और ये yeah. आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलना है? पहले आपने कोई कोर्स लिया था इसका एक्सट्रीम कॉमर्स से ही कोर्स लिया था जी हाँ बिल्कुल एक्सट्रीम कॉमर्स में फ्री बी बी सी उस वक्त थी ठीक है तो उससे मैंने मोटिवेट होके और ठीक ठाक मैंने कोर्स कर लिया ठीक है uh, तो मोटिवेटेड था मैं बिल्कुल ही क्योंकि आई वॉज जस्ट आई मैंने अपना पूरा साल वक्फ किया था इस फील्ड के लिए के कि कुछ भी हो आई एम गोना डिग इन टू इट ठीक है तो ये पूरा वो था उन वो फ्री वी बी दे रहे थे पैसे मेरे पास थे नहीं स्टूडेंट था मैं उस वक्त अबू भी इतना कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे क्योंकि मैं मैंने स्कूल छोड़ा हुआ था तो वो कहते थे कि ठीक है कोई मसला नहीं है है खुद ही करो जो करना है। नहीं वो ये नहीं कहते थे मतलब वो उनका दिल नहीं चाहता था क्योंकि डेफिनेटली इफ यू वॉन्ट यूट सन टू बी अ सी एस एस ऑफिसर एंड इज जस्ट लिविंग एवरी थिंग फॉर फ्री लांसिंग तो वो कह यार कैसा बंदे हो कैसे बंदे हो आप तो फिर वो मुझे उतना उतना, उतना उनका दिल नहीं चाहता था ना मैं ख़ुद ये चाहता था कि वो मुझे कुछ ज़्यादा सपोर्ट करें तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है कोई इशू नहीं है फिर आई स्टार्ट ऑफ विद फ्री वी बी सी तो फ्री वी बी सी मुझे मिली फिर फ्री वी बी सी के बाद आ, मैंने कोर्स किया सारा कोर्स किया और इट्स गॉड ठीक है अब वो स्टार्ट हुई और चलता गया चलता गया फिर जो 2021 है उसके मार्च में सॉरी उसके फेब में मीटअप स्टार्ट हुए ऑल ओवर पाकिस्तान ठीक है मीटअप स्टार्ट हुए तो ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था काम भी चल रहा था एंड एवरीथिंग वाज ग्रेट उस पर हम आते हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा ये बताएगा कि आपने पहला अपना डॉलर कब कमाया मेरे फ्री के फ्री का जो मेरा स्पेन है उसमें दो दो पार्ट्स हैं ठीक है एक बिफोर एक्सीडेंट एक आफ्टर एक्सीडेंट तो बिफोर एक्सीडेंट आई वाज गुड एंड बिल्कुल ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था मोटिवेटेड कोर्स ये वो वीडियोस तीन तीन चार चार घंटे की वीडियोस मैं डेली दे, देखता था और आई वाज जस्ट कॉपिंग एवरीथिंग सब कुछ नोट्स बना रहा और ये वो फिर जब वो हुआ उसके बाद जाके एंड एवरी थिंग टर्नड ऑन मैंने कहा अब क्या करूँ ठीक है पाँव भी नहीं हुआ चाहता मुझसे तो फिर आई ट्राई टू रिगेन एवरी थिंग कुछ पहले बना लिए थे एक्सीडेंट से पहले कुछ उसके बाद उसके बाद फिर फिर ये हुआ कि मीटअप्स हुए तो आई वॉज़ अगेन अच्छा जब मीटअप्स होते थे कोयटा में मीटअप्स होते थे जो मेरा शहर है खारान वो कोयटा से आलमोस्ट कोई थ्री हंड्रेड थ्री फिफ्टी किलोमीटर के फासले पर और रोड्स कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं तो छः छः घंटे लग जाते हैं पाँच से छः घंटे तो आई ट्रेवल्ड एवरी वीक ठीक है मंडे और सॉरी फ्राइडे को मैं जाता था सेशेडो को मीटअप अटेंड करता था संडे को वापस फॉर एवरी वीक ठीक है थ्री वीक्स के बाद मैंने कहा ओके आई एम मोटिवेटेड अगेन आई एम रेडी अगेन लेट स्टार्ट अगेन लेट स्टार्ट इट अगेन फिर मैंने अगेन स्टार्ट किया फिर मैंने क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट की ठीक है क्लाइंट हंटिंग फिर से स्टार्ट की तो पहला क्लाइंट मुझे मिला uh, मिली सॉरी फ्रॉम फेसबुक ग्रुप ठीक है तो फेसबुक ग्रुप से एक एक पोस्ट की थी किसी ने जिसको हम गोरा ग्रुप्स कहते हैं तो अमेजान एफ बी टाटनजा गैस उस ग्रुप का नाम था तो वहाँ पर एक ने पोस्ट की थी कि मेरे साथ ये मसला आ रहा है ठीक है सोर्सिंग का मसला आ रहा है मेरे साथ चाइना में सप्लायर ये कह रहा है ठीक है तो, तो मैंने फिर कमेंट्स पढ़े कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ी हँसी आई मैंने कहा यार ये पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं उसको ये तो है ही नहीं तो आई स्टार्ट विद वट हा 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 कि वट दे आर गाइडिंग यू एंड दिस फिर उसके बाद सारे पी में मैंने पोस्ट हो रही मैंने सारी चीज़ें डाल दी कि ये होता है तो अगेन एवरीथिंग वॉज सेट क्लाइंट एंडिंग स्टार्ट तो वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया इट वॉज़ फॉर अ फ़न ठीक है दैट कमेंट वाज फॉर अ फ़न वो मैंने छोड़ दिया स्टार्टड ऑफ़ स्क्रोलिंग फेसबुक फेसबुक मैंने स्क्रॉल किया और उसके बाद फिर नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ कि डैश मैं अ कमेंट तो वो मैंने जब खोला तो उन्होंने कहा कि थैंक यू सो मच कि आप मेरे इमबॉक्स में आए नहीं आए और आपने मुझे कमेंट्स में रिप्लाई किया क्योंकि uh, पाकिस्तानी जो कुछ लोग होते हैं वो इमबॉक्स में कहते हैं कि हाय डियर और ये वो सारी चीज़ें करते हैं मैंने वो नहीं किया मैंने उसको रिप्लाई दे दिया तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ चेक चेक यू डी एम तो डीएम में फिर प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ उन्होंने मुझे काम दिया तो विद इन थ्री डेज़ आई अर्न माई डॉलर आफ्टर एक्सीडेंट ठीक है राइट right. और ये आपको क्योंकि ये फेसबुक से हो रहा था तो ये आपके बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफ़र आता था, था। हाँ ये मैं बताता हूँ देखिए ये फेसबुक से था ठीक है तो फिर उसके बाद उसने कहा कि अब आपने काम तो कर लिया अब पैसे कैसे भेजूँ अगेन आई वॉज़ अंडर एटीन अब माई माइंड वर्ज ब्लोन के पे, पेमेंट कैसे लेना है फिर मैंने अपने एक कज़न को कर, वो किया कज़न को बताया कि यार प्लीज़ एक काम कर लो आप मुझे अपनी डिटेल्स ले लो मैं उस पर प्योनी बनाता हूँ ठीक है प्योनी जो इंटरनेशनल गेट वे है मैंने कहा मैं प्योनर बनाता हूँ और उससे फिर मेरे पैसे आएंगे तो मैं आपको भी खर्चा पानी दे दूँगा आपको खाना खिला दूँगा तो तो उसको भी खास समझ नहीं थी उसने कहा चल ठीक है क्या चाहिए आपको मैंने कहा सी के फ्रंट और बैग चाहिए उसने कहा ठीक है फ्रंट और बैग उसने मुझे दिए और वो डाल के मैंने अपना प्यूनियर बनाया तो मैंने क्लाइंट को कहा कि आप प्लीज़ यहाँ पर भेजें अच्छा तो ये पूरा एक सर्कल था फिर अभी भी तो बल्कि अभी कुछ हर्षे पहले तक ही मेरे सारी डिटेल्स उसी के एड्रेस उसी उस पर थे अब मैंने अपने अपने नाम पे और अपने सी एन एस सी पर अपना प्योनियर बनाया तो वो फिर अभी मेरे अब अपना अकाउंट बैंक अकाउंट बन गया जी जी अब मेरा अपना ही बन गया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो टोटल ओवरऑल इस पूरे के पूरे जर्नी के अंदर आर यू वर्किंग विद इंडिविजुअल पीपल या कोई ऐसे रनिंग क्लाइंट्स भी होते हैं जिनके साथ बंदा पक्का काम कर ही रहा होता है hmm. इसमें अच्छा जो अमेजन का काम है उसमें दो तरह के बहुत एक प्रोजेक्ट बेस होता है एक लॉन्ग टर्म होता है लॉन्ग टर्म ये है कि हम एक क्लाइंट लेट सपोज क्लाइंट यू आर यू आर सेलर टू बी आप मेरे पास आते हैं कहते हैं कि ओके शेर यार आई एम आई वॉन्ट टू लॉन्च अ प्रोडक्ट ऑन अमेजन ठीक है मैं कहता हूँ ठीक है कोई इशू नहीं है आपके पास बजट है यू हैव एवरी थिंग यू डोंट हैव टाइम तो आप मुझे कहते हैं कि आप मेरा लॉन्च करके दें मुझे तो वो लॉन्च का जो स्पेन होता है वो एटलीस्ट टू क्वार्टर्स यानी छः महीने का स्पेन होता है पाँच से छः महीने का डिपेंडिंग ऑन द फ्रेट्स तो उस स्पेन में आप हमें पर मंथ पे करते हैं पर मंथ ले सपोज वो फोर हंड्रेड डॉलर फाइव हंड्रेड डॉलर डिसाइडेड होता है कि यस कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं कि ओके दिस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़ पार्टी वन हसन पार्टी टू शहर ठीक है वो पार्टी में हम सारे ठीक हुआ टर्म्स एंड कंडीशन वो डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि छः महीने के बाद हम फिर बैठेंगे और फिर डिसाइड होगा कि आगे क्या करना है आगे उसके बाद जो आपका अकाउंट हैंडलिंग है वो छः महीने के बाद होता है क्योंकि योर प्रोडक्ट इज़ लॉन्च इट्स रैंकड डूइंग गुड सेल्स उसके बाद आप कहते हैं कि ओके यहाँ तक जब आपने लाया तो आगे भी आप ही करें ठीक है डेफ़िनेटली ऐसा ही होता है तो ये लॉन्ग टर्म क्लाइंट का एक वो है और अगेन वो शॉर्ट टर्म क्लाइंट्स आते होते हैं कि लेट सपोज़ यू आर यू आर नॉट ब्रांड रजिस्टर्ड एंड आपकी लिस्टिंग पे आपके जो आपके प्रोडक्ट पे एक थर्ड पार्टी सेलर आया है लेट सपोज अचाइनी सेलर एक चाइनीज सेलर आया वो आपके साथ प्राइस वॉर्स प्रावा, कर रहा है वो कह रहा है कि वो आपसे बीस सेंट ग, ग, मतलब वो आपको प्राइस पे आपके साथ वो कर रहा है कंपटीशन कर रहा है आप उससे तंग आ गए हैं क्योंकि आपके मार्जिन जो है ना वो हिल रहे हैं आपके मार्जिनस कम हो रहे हैं देन यू से कि ओके शहर यार आई वॉन्ट दैट आई जेकर ठीक है जिसको हम हाई जेकर कहते हैं या आई वॉन्ट दैट चाइनीज सेलर टू गेट रिमूव आउट माई लिस्टिंग या मेरे प्रोडक्ट से उसको रिमूव कर दें तो फिर अगेन हम आते हैं और उसके साथ फिर हम अमेजोन के साथ केस ओपन करते हैं एंड ऑल दैट टू गेट दैट अ चाइनीज सेलर रिमूव तो ये प्रोजेक्ट बेसिस होते हैं राइट right. अभी मुझे बताइएगा कि आपके 18 महीने हो गए आपको ये करते हुए जी 18 महीने प्लस हो गए ऑलमोस्ट और तकरीबन कितने हैं आपने इसमें रेवेन्यू रेवे कियाट्स वेरी हार्ड क्वेश्चन ठीक है तो इट्स ऑलमोस्ट नियर अबाउट रेवेन्यू अगर आप ग्रॉस इनकम का कहेंगे तो वो ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर और इसमें आप पाकिस्तानियों के साथ भी काम करते हैं या सारा का सारा बाहर लोगों के साथ uh, मिक्स होता, होता है वो वो डिपेंड करता है कि हम किसके साथ काम करें वो पाकिस्तानियों के साथ भी होता है वो बाहर के लोगों के साथ भी होता है डिपेंडिंग हम क्लाइंट कहाँ से लेते हैं या क्लाइंट हमें कहाँ से मिलता है वो सेल्स जो वो होती है सेल्स की एक सेल्स चैनल जो होता है वो डिपेंड करता है उस पर और ये बिकॉज यूर ना खराना तो वहाँ पर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आप ये काम कर सकते हैं हाँ, देखिए मैं अपनी फ्री करियर में ऑलमोस्ट छः महीने में सात महीने में एक्सट्रीम कॉमर्स कराची में रहा हूँ उनके उनका इंक्यूबेट रहा हूँ तो वो तो ठीक है एक हद तक वो चल रहा है दैट्स ऑल फाइन लेकिन उससे पहले की जो उससे पहले के जितने भी मंथ्स थे तो वो मंथ्स मैं आ रहा हूँ हरान में डेफिनेटली वहाँ पे इंटरनेट तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है एक तो पी भी है वाई भी है लेकिन वो चलती ही नहीं है लेट सपोज वो इट्स ओनली वो चालीस सेकेंड के लिए चलती है पचास सेकेंड के लिए चलती है उसके बाद वो डिसकनेक्ट हो जाती है वो डिस्टर्ब हो जाती है इट कॉज लॉट ऑफ शूज़ ठीक है उसके अलावा उसके अलावा फिर एक उसके अलावा फिर हम करते हैं फिर जो जो मैं करता हूं जैसे वो ये है कि मैं मिडनाइट में एक तो मिडनाइट में काम होता है डेफिनेटली क्योंकि यूएस टाइम जोन पे हमें चलना पड़ता है उसके बाद मैं अपने जो पैकेज है वो मोबाइल में करवाता हूं ठीक है मोबाइल में करवा के फिर अपने मोबाइल से हॉट स्पॉट ऑन करके मोबाइल को चार्ज पर रख देता हूँ एंड आई डू माई वर्क सो वो मोबाइल वाला इंटरनेट से ही चल जाता है दैट काइंड ऑफ़ गुजारे लाइक है फिफ्टी के बी हंड्रेड के पी वो चल जाती है मिड नाइट लाइक टू ए एम के बाद या वन ए एम के बाद जब लाइट भी नहीं होती और पसीने बह रहे होते हैं अच्छा लाइट का भी मसला है वहाँ पर बिल्कुल लाइट लाइट जो है ना वो टेन टू ट्वेल्व आर्स अभी भी लोड शेडिंग, हो शेडिंग होती है तो वो पसीने बह रहे होते हैं रात के लेट नाइट और वह एक खाली कमरे में बैठा होता हूँ लैपटॉप के लगा होता हूँ यू पी एस वगैरह लैपटॉप को चार्ज करने के लिए या जी हाँ यू पी एस का सिस्टम है लेकिन वो डेफिनेटली उसमें लाइट उसमें चार्ज इतनी नहीं होती कि वो पूरी ना, पूरी नाइट बजे चला सके तो मैं फिर लैपटॉप और चार्जर वगैरह उसी से चला लेता हूँ उसके बाद जो फ़ैन है वो तो डेफिनेटली बंद ही रहता है और एक उसके बाद फिर यह कि वो बहुत गर्म इलाका है और वो गर्मियों में जो उसकी हाई है वो फिफ्टी और फोटी नाइन वो टच करती है अच्छा बिल्कुल क्योंकि रही सारी इलाक़ा जो तो डेफिनेटली गर्मी होगी तो वो फिफ्टी टच कर देता है जुलाई में और जून में तो तरस बस वी वर्क डू यू यू थिंक आर गोइंग टू स्टे इन खरान आफ्टर यू ग्रेजुएट हाई स्कूल इट्स काइंड ऑफ काइंडफिकल्टेस्टन आई आई एम प्लानिंग ठीक है कि मैं ठहकी वाली साइड निकल जाऊँ और फॉर माई ग्रेजुएशन या फिर मैं मेरे पास असल में चार ऑप्शन हैं तो आई एम डिसाइडिंग अबाउट दो ठीक है ठर जर्मनी इटली एंड ऑस्ट्रेलिया ठीक है राइट right. ऑस्ट्रेलिया का मुझे पता चला है क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स रहते हैं वहाँ पे तो पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं वो बाहर होते हैं तो वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सीन ये है कि आपको हाई जो इस्कूल की फ़ी है जो आपके कॉलेज फी है वो आपने खुद देनी होती है Same. वहाँ पर इस्कॉलरशिप कल्चर नहीं है बट अगेन आई हैव नॉट पेड ए पनी टू एनी वन इन माई होल एजुकेशनल करियर मैंने कभी किसी को कोई पैसे नहीं दिया एजुकेशन के लिए तो ये डिपेंड डेफिनेटली देफे, देफे, मैं तो नहीं चाहूँगा मैं किसी को दस हज़ार डॉलर दूँ पर सेमेस्टर तो वो आई एम स्कीपिंग ऑस्ट्रेलिया बाकी टर्की और जर्मनी का जर्मनी में एजुकेशन फ्री है तो आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस टू थ्री कंट्रीज़ फॉर माई ग्रेजुएशन राइट टर्की जो है वहाँ तो पर भी Because, maybe, आप पे बिल्कुल, ही मैं अप्लाई करूंगा और स्कॉलरशिप मुझे आई होप कि ईजीली मिल जाएगी और मेरा जो शौक है वो ज़्यादा आर्ट्स की तरफ है लाइक हिस्ट्री की तरफ पोलिटिकल साइंस की तरफ और इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ तो अगर मैं फ्रीलांसर नहीं होता तो शायद मैं कोई इंटरनेशनल रिलेशन की डिग्री कर रहा होता या फिर आगे आई एम प्लानिंग फॉर इंटरनेशनल रिलेशन पोलिटिकल साइंस और हिस्ट्री राइट और इसमें आपने जो जर्मनी और टर्की तुर, ऑस्ट्रिया का प्लान बनाया उसके अलावा अगर फॉर एक्जाम्पल कोविड है इंटरनेशनल का यू नेवर रिलीड नो और बड़े सारे इसमें कंस्ट्रेंट्स होते हैं वीज़ा का मसला हो जाता है या सोनी सो फोर्थ पाकिस्तान में डी यू थिंक देर इड बी एनी प्लेस टू अपलाई जी सी यूनिवर्सिटी लाहौर अच्छा ये हेरी पॉटर वाले शो के बाद से हुआ है इट वॉज माई इट वॉज माई ड्रीम कॉलेज अच्छा बल्कि एंड नाउ इट मे बी माई ड्रीम यूनिवर्सिटी सो फॉर पोलिटिकल साइंस या फिर फॉर एनी थिंग रिलेटेड टू माई एमबिशन माई जो मेरे शौक है उससे रिलेटेड जो भी होगा तो वो डेफिनेटली आई विल गो फॉर जिस ला और राइट डी यू थिंक खरान से जो लोग थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं वो कभी खरान आते हैं वहाँ पे बिल्कुल आते हैं बिल्कुल आते हैं और जो ब्यूरोसी है खरान की तो वो खरान से ही पढ़े लिखे हैं ठीक है और उसके बाद जाके यूनिवर्सिटी के लिए या फिर वो लाहौर गए हैं या फिर वो इस्लामबाद आए हैं हौसलों में जलीलोखबारू हैं और अभी बल्कि अभी आम, अभी ही मुझे याद आई ये बात कि फेडरल शरीयत कोर्ट का जो चीफ़ जस्टिस है वो भी मेरे इलाके का है वो भी खरान का है जस्टिन मोहम्मद नूर मिसकान जी right. और तो ये है वो पढ़ लिखे और बाहर भी पढ़े हैं वो ठीक है पाकिस्तान में ही लेकिन अगेन इस इस रेजिडेंज स्टिल इन खारान और वो स्टिल वहीं रहते हैं वो रहते हैं वहीं पे बिल्कुल मतलब वो ड्यूटी के उस पर होते हैं लेकिन वहाँ तो पर आ जाते हैं बिल्कुल। uh, saying, right? आपने कहा ज़्यादातर जो कल्चर है वो गवर्नमेंट जॉब्स का तो गवर्नमेंट जॉब्स में आप खरान में तो नहीं रह सकते आपने पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर आप वहीं पर रहेंटीस्टैंड इज बिकॉज द रीजन वाई योर स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इज़ अगर आप इंटरनेट प्रोवाइड कर दें खार में तो या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी का मिल जाए तो इज़ देर एनी रीज़न वाई यू वुड वॉन्ट टू मूव टू लेट लाहौर कराची इस्लामाबाद और इवन टर्की एंड जर्मनी या डू यू थिंक यू कोड वेरी इजिली इन खरान बिकॉज वट 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 आई फाइंड इंटरेस्टिंग विद फ्री इज ये बहुत सारे इलाके हैं जिनका सच्ची बात है कि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी निकालना क्लोज टू इम्पॉसिबल है गवर्नमेंट जॉब्स आई अंडरस्टैंड ये बल्दिया में हो जाएंगी आपकी या एडमिनिस्ट्रेशन में हो जाएंगी इस तरह की चीज़ों में तो हो जाएंगी लेकिन वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाना जहाँ पर रोड ही नहीं कनेक्टेड सही तरीके से जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है पानी नहीं आ रहा बिजली नहीं आ रही गैस नहीं आ रहा वो फैक्ट्री तो नहीं लग सकती वहाँ पर हैवी रिमोट इलाका के वहाँ पर रॉ मटेरियल लाना फिर वापस एक्सपोर्ट करना तो घर बैठे हुए इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करना कि अगर आप फॉर एग्जांपल साल के बीस हज़ार डॉलर जनरेट कर रहे हैं जाहिर है कि फिर आप चाहेंगे कि अब मैं इसको कहीं ख़र्च भी करूं तो आप चाहेंगे कि यार मेरे लिए इर्द गिर्द कोई अच्छा रेस्टोरेंट भी हो फिर आप चाहेंगे कि अच्छा कोई जिम भी हो जाए कोई इस तरह की चीज़ें तो आप उस छोटी सी इलाके की इकानमी के अंदर आप अपना उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर जो लोग वहाँ पर वो उन सर्विसेज को प्रोवाइड करके वो पैसे कमाएंगे वो फर्दर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड सडनली नाउ दिस स्मॉल कस्बा विल स्टार्ट लुकिंग लाइक अ टाउन एंड विल स्टार्ट इवेंचुअली लुकिंग लाइक अ सिटी and that's the beauty of freelancing i was uh, again at the connected pakistan conference i was to, uh, hearing a lot of people from okada for example kabhi zindagi mein nahi suna okada ka wahan se log baith ke ji bade bade jo hai wo businesses bana rahe hain it ke aur freelancing ke um लेकिन वही वाली बात है कि आपके केस में मुझे unfortunately यही लग रहा है कि जो इस वक्त हालात हैं with electricity with the internet आप ज़्यादा अर्से रुक नहीं पाएंगे शायद वहाँ पर is that true देखिए अच्छा ये आपने एक बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा तो मैं पार्ट टू पार्ट सा, सब सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर लेट्स सपोज आई एम अर्निंग थाउजेंड डॉलर्स ठीक है पर मंथ विच इज़ वन सेवेंटी के ठीक है तो आई हैव टू स्पेंड इट समर या फिर चलें ठीक है आप लेट्स सपोज फ़िफ्टी परसेंट मैं स्पेंड करता हूँ फ़िफ्टी परसेंट मैं सेविंग करता हूँ तो अगेन इट्स फाइव हंड्रेड डॉलर्स विच इज़ एटी फाइव के विच इज़ नाइनटी के तो नाइनटी के फॉर अ सिंगल पर्सन इस्लामाबाद जैसे शहर में भी भी बहुत ज़्यादा है ठीक है बहुत ज़्यादा है वो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार सकता है और सेम अब हम सब कुछ कर सकते हैं हम मसले हल कर सकते हैं लेकिन जहाँ पे बात माइंड सैट की आती है वहाँ पे वी कैन डू नथिंग ठीक है सो लेट सपोज़ ओके वी आर रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट वो हमें एटीन आवर्स पर डे वो हमें एलक्ट्रिसिटी देती है दैट्स गोड ठीक है हम पी टी सी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ठीक है भाई आप हमारी बेनिफिट बढ़ा दें तो आई गेस एट हंड्रेड एम बी ए बी बेनिफिट है उसकी वो सिक्सटीन हंड्रेड करते हैं वो टू थाउजेंड करते हैं गुड टू गो ठीक है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हु इज़ गोना बी द यूज़र ऑफ दैट पी टी सी एल हु कैन अफोर्ड इट ठीक है पहले तो ये हुआ उसके बाद एक माइंड में बैठा हुआ है कि जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं करोगे आपका कुछ नहीं हो सकता यू कैन डू नथिंग विदाउट गवर्नमेंट जॉब तो आप इस सारी सिनेरियो को कैसे डील करेंगे उसके लिए सबसे पहले सक्सेस स्टोरीज कह लें आप या सबसे पहले हमें एक रोड मैप बनाना पड़ेगा फिर उस रोड मैप को दिखाना पड़ेगा कि ओके लेट सपोज यू आर अ नॉर्मल पर्सन ऑफ माय एरिया ठीक है मैं कहूँगा ओके मुजमिल दिस इज़ अ रोड मैप ठीक है ये तरीका है गो ऑन इवन मैंने आप जिसको बंडल कहते हैं तो मैंने नोट के बंडल दिखाएँ कि खुदा रहा ठीक है ये देखो ये आप इन्वाइस देख लो ठीक है अभी मैं बैंक से निकाल के लाया हूं, अब तो आ जाओ कहते नहीं गवर्नमेंट जॉब के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता अब वो गवर्नमेंट जॉब चाहे ए ग्रेड का हो या सेवनटीन ग्रेड का हो वो गवर्नमेंट जॉब ही होती है ठीक है इवन अभी एक मंथ पहले मैंने अपने कॉलेज में एक सेशन दिया था ठीक है सेशन अबाउट फ्रीलांसिंग, सिंह मैं उनको पूरा गाइड किया एंड आई एंडेड अप विद द सेंटेंस कि अगर आप इस फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वेलकम अगर नहीं करना चाहते तो मेरी आप मेरी दिल से दुआ है कि आप एक अच्छे सरकारी नौकर बने ठीक है तो आई होप कि कुछ ना कुछ ये हुआ होगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ नौकर सो एंड आई डोंट वॉन्ट बी ए नौकर उसके बाद आते हैं बाकी फैसिलिटीज़ वाली साइड पर फैसिलिटीज़ तो खैर ईजीली हो सकती हैं लेकिन देखें अगर पी टी सेल अपनी फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करना चाहे भी उसको यूज़र्स चाहिए नहीं बट दस फोर आईम सेंगे ना वो यूज़र्स देखें आई नॉट नेसेसरि सेंगे कि जी आप एक दिन चुटकी भी जाएँगे सारे लोग फ्री लांसर बन जाएंगे ठीक है आपने जिस तरह कहा कि वही चिकन एग वाली आप बात कर रहे हैं कि हम हम कहते क्या हैं कि यार सबसे पहले फैसिलिटी प्रोवाइड कर दो फिर लोग खुद चेंज हो जाएंगे अच्छा वो चीज़ अनसस्टेनेबल है ना इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान जिसके पास पैसे ही बड़े थोड़े होते हैं तो वो पिक एंड चूज़ करता है कि यार जहाँ पर जब ज़्यादा जरूरत है वहाँ पर पैसा लगाया जाए अगर ज़्यादातर बच्चा जो है अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा कि यार कराची में लगा देते हैं जितना भी इर्द गर्द का फ्रीलांसर है वो कराची मूव हो जाए बजाय इसके कि वो फ्रीलांसर अपने इलाके में रहे और वहीं पर रहकर वो करे लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक एक करके जिस तरह आप वापस खरान जाते हैं खरान जाकर आप, आप पे अपने सुकून में बैठे हुए आप जो है लेकिन आप पैसे कमा रहे हैं कमा रहे हैं आप आज एक हज़ार डॉलर कमा रहे हैं कल आप दो हज़ार डॉर कमाते हैं चार हज़ार डॉलर कमाते हैं और फिर जब आप चार डॉलर कमाते हैं तो आपके घर में गाड़ी भी आ जाएगी नहीं आपके घर में जो है जी टाइलें शायलें भी लग जाएंगी आपका सिस्टम भी हो जाएगा तो ज़ाहिर है इर्दग वाले लोग देखेंगे तो सही बिल्कुल अच्छा जो दूसरे इर्गद नेबर्स हैं वो अपने बच्चों को बोलेंगे छोटे बच्चे होंगे वो अभी पाँच छठी जमात में होंगे शायद वो कहेंगे यार ये शरियार भाई देखो जरा वो क्या कर रहे हैं क्योंकि वो जो गवर्नमेंट वाले हैं वो तो पंद्रह लाख मांग रहे हैं ये कुछ मांगे बगैर जी इनके घर तो गाड़ी भी आ रही है टाइलें भी लग रही हैं तो वह आज चेंज होना शुरू हो जाएगा तो, तो फ्री लांसिंग वाली चीज़ जो है ना वो एक सोशल चीज़ है वो एक ऑटोमेटिकली जब आप एक स्टोरी बाय स्टोरी देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है बट मेरा क्वेश्चन ज़्यादा ये था कि डू यू थिंक पीपल लाइक यू जो ऑलरेडी फ्री लांसिंग में आ चुके हैं ठीक है जब वो उनके पास ये चॉइस आती है कि वो खरान में रहें डिफ़िकल्ट है ना चॉइस बिल्कुल गर्मी में खुआार होना सारा कुछ होना बंदा कहता है यार मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ मुझे क्या फ़ायदा मैं आराम सुकून से जाकर इस्लामाबाद लाहौर कराची में रह लूँ तो क्या वो जो चॉइस है वट वुड यू चूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि यार आप कराची में जाके कम्फर्ट के साथ रह लेंगे कि यार मेरे पास ए हो मेरे पास ये सारा कुछ हो या आप खरान में रहेंगे और अपना पैसा खरान में, में स्पेंड करेंगे ताकि वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्राइव हो क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्राइव होगी जो आपने कहा ना कि वहाँ पर पी टी सी एड कोई क्यों लगवाएगा क्योंकि उसके थ्रू जब आप पैसा वहाँ पर कमाएँगे आप जब जाके वहाँ पे कोई लाइट से कॉफ़ी शॉप खुल जाए कोई कहता है।, है कि कोई कोई ढाबा खुल जाए लेकिन ढाबे में आप जाके पैसा लगाएंगे रेस्टोरेंट में लगाएंगे अब वो पैसा मार्केट में आना शुरू हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो ठीक है जिन लोगों के पास वो पैसा आ रहा है उनके पास से पहले जितना पैसा था अब वो ज़्यादा आ रहा है पहले फॉर एग्जाम्पल पूरे खरान की इकोनमी में हो सकता है कि एक करोड़ रुपया मूव होता हो ठीक है अब हो सकता है कि दस फ्री लांसर्स आकर एक करोड़ पचास लाख रुपया मूव करें तो जब पचास लाख रुपया एक्सेस आया है उससे शायद इंटरनेट बेहतर यू नो यूजर बेस बढ़ जाए हो सकता है बिजली की यूजर बेस बेहतर हो जाए और फिर वास्तव एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है खुद से एक दूसरे के ऊपर टंगता है कि जहां जा, जहाँ वो डेढ़ करोड़ रुपया हुआ इकोनॉमी ऑफ़ द सिटी तो वहाँ पर जो है ना और लोग मोटिवेट होकर आए उन्होंने और डॉलर कमाना शुरू कर दिया एंड देन सडनली ना पता भी ना लगे और हो सकता है कि बैठे बैठे जो है जी वो पूरा शहर खड़ा होना शुरू हो जाए अगेन खरान इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ क्रास एग्जाम्पल बिकॉज वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अनफॉर्चुनेटली खराब है बिल्कुल बट पाकिस्तान के और बहुत सारे ऐसे छोटे शहर हैं जहाँ पर आपको फोर जी भी आराम से मिल जाएगा जहाँ पर बिजली भी आ ही रही है पंजाब में बड़ा शहर है बिल्कुल आ, तो तो वहाँ पर डू यू थिंक फ्री लांसिंग जो है वो कुछ वो रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकती है ओके सो इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मियाँ चनो की ठीक है मियाँ चनो चीचा बंदी इसके बहुत छोटा सा एक शहर है वहाँ पर अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के मे बी फोर टू फाइव हंड्रेड ऑफिसज़ हैं अच्छा बिल्कुल अब मियाँ चिनू को आप एक्सप्लोर करें तो उसमें इकनॉमिक जनरेट मतलब वो इन इतना पैसा उन्होंने कमा लिया है फ्री लांसिंग से अमेज़ॉन से और अमेजान की ड्रॉप शिपिंग से कि शायद उनकी नस्लें भी आराम से जी लें इस चीज़ को ठीक है और वह दस साल से फ्री लांसिंग कर रहे हैं लेकिन वह है एक छोटा सा शहर शहर ना कहे वो गाँव ही कह लें आप उसको उसको कस्बा ही कह लें ठीक है तो अगेन अब आते हैं मेरी साइट पे देखिए मिया चन्नू है उसमें फोर जी है ठीक है उसमें सारी चीज़ें हैं मेरी साइट पे माइंड सेट का मसला है अभी ठीक है तो माइंड सेट चेंज करने के लिए माइंड सेट को जिसको कह देना सॉफ्टवेयर अपडेट तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए जो मैंने अभी एक माइंड मैपिंग की है या मैंने एक प्लान बनाया देखिए अब अ पर्सन लाइक मी अभी मेरा जो घर है वो यहाँ से आलमोस्ट कोई बारह तेरह सौ किलोमीटर के फासले पे है विच आ ट्वेंटी टू हार ठीक है ड्राइव तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं वहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाऊँ कि भाई मुजमिल भाई या फिर साके बाज़ार भाई या फिर आज़ाद चाय वाला भाई सर खुदा के लिए आप कोटा आ जाए ज़रा क्यों उसकी वजह ये है मेरे पैसे लग रहे हैं ना ठीक है मैं, मैं तो मतलब ये तो सारा ब्लीडिंग बनी है ठीक है मैं खर्च करके आया हूँ यहाँ पे विदाउट एन रीज़न सेल्फलेसली मुझे क्या जरूरत है जब मेरे पैसे बन रहे हैं भाई हज़ार डॉलर बन रहे हैं आप मस्त माहौल कर सकते हैं वहाँ पे ठीक है ये एक बात हुई अब उसके लिए मैंने सोचा है कि अभी जब मैं फिर जाऊँगा एक तो सारे मैंटर से सारे इन्फ्लुन्सर से मैं रिक्वेस्ट की है कि सर खुदा के लिए आप आएँ हमें गाइड करें हमें बताएं कि करना क्या है एटलीस्ट आपने हमें एक पोस्ट तो दें मैं अकेला मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ ठीक है आई एम नथिंग आई एम अ पर्सन सिंगल फ्री लांसर ठीक है मैं दस बंदों को बिठाऊंगा तो मेरे साथ जो दस बंदे बैठेंगे वो भी फ्री लांसर ही होंगे वो दस बंदा होटल पे बैठने वाला नहीं होगा तो वो होटल पे बैठने वाला जो है उसको कौन इन्फ्लुएंस करेगा उसको करेगा इन्फ्लुएंसर ठीक है तो ये एक पॉइंट आप माइंड में रख लें उसके बाद मैंने कहा ठीक है अब मैं जा रहा हूँ वापस तो मैं जाके सबसे पहले मिलूँगा अपने कमिश्नर से क्योंकि जो मेरा जो सिटी है वो डिविजनल क्वार्टर भी है ठीक है मैं अपने कमिश्नर से मिलूँगा मैं कहूँगा कमिश्नर साहब ये सारा सिनारी है अगर आप चाहते हैं कि मैं सेशंस अरेंज करूँ आई एम रेडी फॉर एनी ठीक है दो घंटे के लेक्चर करवाने हैं दस घंटे के करवाने हैं आई एम रेडी टू स्पीक कोई इशू नहीं है इफ़ यू वांट पीपल टू एम्पावर क्योंकि इकनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान के वो भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से ये नो उसके क्या हो रहा है मैं कहूँगे अगर ये हो रहा है तो जस्ट लर्सपोज के किस किस को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ठीक है उसके बाद भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग के पी के आई आई टी मिनिस्टर ने और फवाद चौधरी ने भी ये बात की है कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स में सेवेंटी एट परसेंट अनएम्प्लॉयबल हैं ठीक है उनको हम एम्प्लॉय नहीं रख सकते बिल्कुल वो काबिल ही नहीं है कि हम उसको एम्प्लॉय रखें तो वेयर वुड दैट गो वो कहाँ जाएगा ठीक है एक तो ये पॉइंट हुआ उसके बाद आ, जो आपने बात कही देखें जो मेरा शहर है या जो मैं अपना कस्बा कह लूँ उसमें कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ पे मैं स्पेंड करूँ टू तो बी ऑनेस्ट ठीक है उसमें जगह होगी मैक्सिमम मैक्सिमम मैं अपने बाइक में पेट्रोल डलवाऊंगा जो कि ईरानी है ठीक है मैं दुकान तो से कोई चीज़ ख़रीदूँगा अगेन वो ईरानी है आ, तो ये है उसके बाद जाके अच्छा ठीक है चले मैंने स्पेंड कर दिया नोट कोई इशू नहीं है मैं स्पेंड कर दिया वहाँ पे रेस्टोरेंट ही नहीं जाऊँ मैं बैठ कर कॉफ़ी पी सकूँ लिटरली मैं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ मैं डाबे पे बैठूँगा पचास रुपये की चाय पीऊँगा वो दो सौ का बिल बनेगा उस दो सौ से कुछ नहीं होना ठीक है दैट्स अ ट्रुथ तो उसके लिए हमें एक पुश देना है वो पुश आएगा कि जब इन्फ्लुन्सर आएंगे जब लोग आएंगे जब सेशंस होंगे अवेयरनेस सेशन होंगे ठीक है आज शाम सरवर आ रहा है कल अली आ रहा है परसों साके बाजार आ रहा है ये जब ये जनरेट होगा ठीक है इसमें अगर फिगर्स अब देखें उनके माइंड इतने सुन हो चुके हैं कि उनको फिगर्स दिखाओ आप कहेंगे यार एम ही बकवास कर रहा है ठीक है उनको चाहिए एक मोटिवेशनल पोश ठीक है क्योंकि उनके माइंड में नस्लों से नस्ल दर नस्ल ये बात बिठाई गई कि बेटे अगर आप गवर्नमेंट नौकर नहीं बनोगे तो, तो कुछ नहीं होगा यू आर यूजलेस ठीक है चाहे वो गवर्नमेंट की नौकरी ए ग्रेड की क्यों ना हो स्टिल आई आई नो माई फ्री लास्ट फ्रेंड्स ओके वो कहते हैं कि यार अगर दस ग्रेड की भी नौकरी मिल जाए हम फ्री लांसिंग छोड़ देंगे ऐसा दर ठीक है आपकी मर्जी अगेन ये एक ऐसा फास्ट फेस और फास्ट पेस ये कि ये फील्ड है फ्रीलांसिंग का या फिर इस चीज़ का अभी लेट सपोज मैं 19 के एज में लेट सपोज़ हज़ार डॉलर कमा रहा हूँ तो 24 साल की उम्र में मैं हज़ार डॉलर तो नहीं कमाऊँगा लेट सपोज़ इफ आई आई कैन स्केल अप टू फोर थाउजेंड और थ्री थाउजेंड और टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड एटलीस्ट विच चार साल की उम्र में पाँच साल की उम्र में टू हंड्रेड परसेंट ग्रोथ ठीक है इन द अदर सेंस अब दूसरे साइड पे आगे देखते हैं गवर्नमेंट जो जॉब बोलें ठीक है वो अगर आज वो एक लाख कमा रहे हैं ठीक है फाइव परसेंट या टेन परसेंट के एनुअल इंक्रीमेंट से वो एक लाख बीस कमाएंगे अगले दो दो साल के बाद या पाँच साल चलो एक दो डेढ़ लाख कमाएंगे विच इज़ ओनली फिफ्टी परसेंट ग्रोथ और वो काम सारा उसमें कोई ऑटोमेशन नहीं उसमें आप किसी को एज अ अपना एम्प्लॉय नहीं रख सकते आप बिज़नेस ओनर नहीं बन सकते यू आर एम्प्लॉय ठीक है तो ये एक फ्री की ब्यूटी है कि आप एक साल में डेढ़ साल में दो साल में इतना एक्सेल कर सकते हैं इतना स्केल कर सकते हैं कि यू जस्ट कीप ऑन एम्प्लॉइंग पीपल एंड आईव वॉन्ट माई एम्प्लॉय आई माई एम्प्लॉयज़ फॉर एम्प्लॉयज़ ठीक है वो मेरे साथ काम करते हैं तो ये सारा चलता रहता है बाकी जो हाफ ऑफ द वर्क इज़ ऑटोमेशन ठीक है खैर अब आते हैं कि ठीक है तो मैं उनके पास जाऊँगा अब जो जो रह गई बात कमिश्नर साहब वाली मैं उनके पास जाऊंगा उनको मैं कहूंगा कि कमिश्नर साहब ये मसले मेरे इलाके में ठीक है ये आपको भी पता है बल्कि आपको मुझसे बेहतर पता है यू आर द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ठीक है आप एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे हो आपको पता है कि यार क्या मसले हैं क्या मसाइल हैं कितना एम्प्लॉय कर सकते हैं और हाउ मच ऑफ द यूथ इज़ गोइंग यूज़लेस ठीक है तो उनको मैं कहूँगा कि ठीक है इफ़ यू डोंट वॉन्ट मी टू डू एनी आप ठीक है आप मुझे सपोर्ट करें ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपके हाथ में है आप उसके प्रिंसिपल को लिख के दें बस कि दो घंटे का सेशन अरेंज करवाएं इसको बुलाएं खत्म मैं जाऊंगा मैं बोलूंगा सौ बच्चा बैठा होगा अगर हम worst के सिनेरियो लें तो दस परसेंट तो स्टार्ट होगा ना दस परसेंट वर्ष के सिनेरियो लें बिल्कुल एक रफ एस्टिमेट लें दस परसेंट का मतलब है दस बच्चे दस बच्चे से अगर पांच बच्चे भी या चार बच्चे भी कामयाब हों वो भी पाँच सौ हज़ार डॉलर बनाएं तो ये आप जस्ट लेट सपोज कि वो कितना बड़ा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकता है बिल्कुल हंड्रेड परसेंट शेष एक घंटे पे हूँ uh, मुझे तो mm -hmm. ये बताइएगा कि आपके एक्सपीरियंस में बलोचि यू you नो know, mm -hmm. आपने खरान की तो ये बात बोली कि जाहिर हैवर्मेंट जॉब्स होती हैं सारा कुछ होता है बट बलोचानसिकल इनशस एरिया एज वेल है थोड़ी थोड़ी लोगों तक अब मेरा ख्याल कंपेरेटिवली ज़्यादा पहुँची होगी mm -hmm. uh, तो कोई फ़र्क आया है लोगों में बलोचि के बिल्कुल बिल्कुल फ़र्क आया और मैं आपको एक फिगर देता हूँ कि कि ट्वेंटी थाउजेंड स्टूडेंट्स ऑफ बलुस्तान आर लिविंग इन द अदर सिटीज़ ऑफ़ पाकिस्तान राइट ठीक है वो बीस हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन के लिए आए हैं वो पढ़ने के लिए आए हैं वो आप एन डी आप कोई भी यूनिवर्सिटी लें आप एन डी यू जाएँ आप नवल जाएँ आप कादे जम जाएँ आपको बलोची बलोची मिलेंगे आपको बलोस्तान के स्टूडेंट मिलेंगे तो इट्स अ चेंज इट्स अ मैसिव चेंज ठीक है उसके बाद भी जो बसान के अपने जो हालात हैं वो बहुत बेहतर माशाल्लाह से और वो एक डेफिनेटली बरसान तो एक पहले से इग्नोर्ड है वो ठीक है अभी से नहीं फोर्टी सेवन से इग्नोर्ड है उसके बाद तो वो सब हुआ है अब इकनॉमिक चेंज भी आ रही है ठीक है लोग बड़ी बड़ी पोस्टों में लगे हैं गेंद जो भी सारा है एनी एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन इकनॉमिक चेंज उसके बाद जाके एजुकेशनल चेंज आए ठीक है एजुकेशनल चेंज इन अ सेंस के जो रिसेंट ईयर्स में ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं लेट सपोज़ 2010 के बाद 2015 के बाद वो अब टीचर लग रहे हैं वो अब प्रोफेसर लग रहे हैं वो लेक्चर लग रहे हैं तो इन अदर सेंस वो बाहर से पढ़ के आएँ ठीक है बाहर से पढ़े हुए वो उसको अपने शहर के लिए अपने सूबे के लिए वो दुख तो होगा क्योंकि ही सफ़र द लॉट तो ई डोंट वांट एनीवन टू सफ़र लाइक हिम ठीक है लेट सपोज़ अगर मैंने कराची में सफ़र किया है मैं छः महीने रहा हूँ मैंने ठीक है बुक देखा है मैंने सब कुछ देखा है डेट्स ऑल hmm. लेकिन एट दिन आई डोंट नो एनी ऑफ माई फेलो फ्रेड आंसर फ्राम माई ओन एरिया टू सफ़र अबाउट एनी थिंग टू अगेन दे डोंट वांट दैट ठीक है वो चाहते हैं कि ठीक है कोई मसला नहीं आप सफ़र ना करें आप इसके साथ चलते रहें ठीक है आप वो पढ़ाते हैं और इससे एजुकेशनल लेवल है अभी अभी वो कंपिटिशनस हो रहे हैं ठीक है रिसेंटली डिबेट कंपटीशन हुआ अभी एक महीने पहले उसके बाद जाके ये सारी चीज़ मतलब ये एक एजुकेशनल जो ये सारी जो बाहर से सीख कर हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल, हो हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ, गवादर के बारे में क्या हैं बलोजिस्थान में आई डोंट नो इफ़ यू नो और नॉट कि गवादर में एक आज ट्वेंटी फर्स्ट डे है वहाँ पर धरना चल रहा है ठीक right. है और मीडिया से उसका बिल्कुल ब्लैक आउट है उसके बाद एक तासर पाई जाती है आई डोंट नो इफ़ इट और नॉट कि गवादर में दस लाख चीनियों की आबादकारी होगी राइट right. ठीक है उसके बाद गवादर uh, एक स्ट्रीटिंगली uh, बहुत इम्पोर्टेंट वो जगह है ठीक है दो इट्स इट वॉज़ नॉट आवर पार्ट फ्राम फोर्टी सेवन वो ख़रीदा गया फिर बाद में तो गवादर चेंज, इट्स रेवोल्यूशन आइदर फॉर चाइना और फॉर पाकिस्तान God knows well. And what about Balochistan? Balochistan is the golden bird, the untapped beauty of Pakistan. ठीक है बलोचिस्तान अगर चेंज हो तो पाकिस्तान में मै सिर्फ massive मै सिर्फ चेंज आएगा और अगर आप Balochistan को गले लगाएँ तो Balochistan आपको गले लगाएगा इनशाला जबरदस् uh, भाई वेर राइट एट एंड आई एंड दैट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आई नो कि आपने आजी, आज ही आज या कल ट्रैवल करके वापस जाना है आपका सफर भी है बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन दैट यू शेयर आई होप दट वज काइंड टू यू एंड वी वे हॉस्पिटेबल यू नो एंड एंड डी डब मेकिंग न्यू फ्रेंड इन नी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग ऑल द इन थैंक यू सो मच फॉर इन वाइटिंग इट्स वेरी गुड एंड हॉस्पिटल पीपल ये ठीक है बहुत अच्छे लोग हैं और uh, बहुत अच्छी जगह है ये ठीक है और आई विश कि जहाँ भी यहाँ की जो नॉर्मल जो गलियाँ होती हैं जो नॉर्मल लैर सपोज़ एफ़ टेन की गलियाँ एफ़ सेवन की गलियाँ उस तरह के हमारे पास हाईवेज़ होते हैं

पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट ऑफिशल और उनकी कॉन्वर्जेशन करते हैं जस्ट टू फॉरस्टैंड के जो मेजर डिसीजीज ले रहे हैं पाकिस्तान में वॉट्स अ थॉट बिहाइंड दैट सो यू कैन चेक द आउट द लिस्ट डाउन बिलो इसी के साथ साथ ऑडियो पैटफॉर्म वाले सबक्राइबर दवाएंगे आने वाले अपिडस के नोटिफिकेशन मिलेगी इसी पैसे जासकाश यहाँ पर कहीं पेपर हो रहा होगा सो यू कैन सपोर्ट द चैनल वी एक्सेप्ट एनी थिंग फॉर्म एज मज यू लाइक इट्स अ थॉट डट काउंस बट एनी वे दिस वाला यू आ वॉचिंग थॉट बैंड थिंग्स थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड एल सी द नेक्स्ट वन